मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही भारत में एक साथ चुनाव कराए जाने की ये परंपरा शुरू हो गई थी। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी के एक निर्णय ने इस पे ब्रेक लगा दिया था, जिसके बाद 2019 से बीजेपी ने एक बार फिर से भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद शुरू कर दी। और अब इसी कड़ी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस समिति का गठन पिछले साल सितंबर में किया गया था, जिसके बाद समिति ने दुनिया के कई अन्य देशों की चुनावी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद लगभग 39 राजनीतिक दलों और कई अर्थशास्त्रियों के अलावा भारत के चुनाव आयोग से भी परामर्श लिया था। इस रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के साथ ही इसके 100 दिनों के भीतर स्थायी निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। समिति का कहना है कि बार बार चुनाव होने से देश में विकास कार्य बाधित होने के साथ साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों का चुनावी कार्यों में लगातार इस्तेमाल होने से उनकी क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का विचार देश के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ भारत का ये पहला कदम है, इसलिए इस मुद्दे पर बहस और विवाद शुरू होने के साथ ही इसके फायदे और नुकसान भी गिनाए जा रहे हैं। लेकिन गौरतलब है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का ये विचार नया नहीं है। सच ये है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा आज़ादी के समय से ही शुरू हो गई थी, और साल 1947 में आज़ादी के बाद से अगले करीब 20 सालों तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में ही कराए गए थे। इसी क्रम में 1951 और 1952 का पहला चुनाव भी इसी व्यवस्था के तहत हुआ। इसके बाद 1957, 1962 और आखिरी में 1967 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही संपन्न हुए। लेकिन 1970 में कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके बाद इंदिरा सरकार ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1971 में पहली बार 5वीं लोकसभा के लिए समय से पहले ही चुनाव कराया गया, और यहीं से एक देश एक चुनाव की जो व्यवस्था चली आ रही थी उस पर ब्रेक लग गया था।